गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ न्यू डायसन पब्लिक स्कूल। बेटा, आप लोगों का रिवीजन विकास जी सर ने करवा दिया है ना? रिवीजन विकास जी सर ने आपके प्रीवियस लेक्चर्स में आपके कंप्लीट करवा दिया है। उसी सेम कॉपी में ही आपको यहाँ से यूनिट फर्स्ट का वर्क स्टार्ट कर देना बेटा, ओके? कन्फ्यूज नहीं होना कि टीचर चेंज होने की वजह से आप कन्फ्यूज़ हो जाओ, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपका जो प्रीवियस रिवीजन जो चल रहा है विकास जी ने करवा दिया, मैं उसके बाद से आपका यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करा रहा हूँ, जिसमें आपका फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट है नंबर बियॉन्ड 10,000, नंबर बियॉन्ड 10,000, 10,000 बियॉन्ड नंबर, यानी कि आप 10,000 के तक के नंबर आप प्रीवियस क्लासेस में आप उसको स्टडी कर चुके हो। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसका। पहले हम लोग जो आपका बेसिक है, जो आपने पहले पढ़ लिया है अच्छे से, हम उसी का पहले रिविज़न कर रहे हैं, ओके बेटा? तो फर्स्ट आपका, अगर मैं यहाँ पे कर देते हैं हम लोग 2399, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, वंस डिजिट बोलते हो या यूनिट डिजिट बोलते हो बेटा? या तो इसको, या तो वंस डिजिट बोल दोगे आप, या टेंस डिजिट, यूनिट डिजिट बोल दोगे आप, ठीक है? उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका, टेंस डिजिट, ये आपका क्या होगा, टेंस डिजिट, वन, वंस डिजिट और यूनिट डिजिट, जो भी है आपका। फिर नेक्स्ट टेंस डिजिट, ठीक है, थर्ड नंबर का थर्ड डिजिट आपका क्या हो गया, 100, वन और यूनिट, जो भी आप कहते हो, जो भी आपने पहले प्रीवियस क्लासेस में उसको जिस भी तरीके से पढ़ा है, वंस डिजिट और यूनिट डिजिट, ये आपका टेंस डिजिट, थर्ड आपका 100 डिजिट और ये आपका 1000 डिजिट। अभी तक हम लोग 1000 तक ही देख रहे हैं, 10,000 पे अभी हमने बियॉन्ड 10,000 का हम लोग अभी यहाँ पर हैं। तो मैं पहले एक एक करके आपको स्टडी का रीड आउट करना बताते हैं हम लोग किस तरीके से पढ़ते हैं। बेटा ये 9 हो गया, ठीक है, ये क्या, कौन सा डिजिट है, वंस डिजिट और यूनिट डिजिट, एक ही डिजिट का है, 9 है, सिंपली वंस डिजिट और यूनिट डिजिट, ठीक है। 9, 6, 7, ये सब कौन से डिजिट है बेटा, यूनिट डिजिट है, कौन से डिजिट है, यूनिट डिजिट और वंस डिजिट है। अगर मैं इसके आगे 20, इसके आगे 2 लगा देते हैं हम लोग, इधर 3 और इधर 4, अब ये तो वंस डिजिट हो गए और ये कौन सा डिजिट हो गया, टेंस डिजिट, ये वंस डिजिट और ये टेंस डिजिट, 9, 6 और 7 तो कौन से डिजिट है, वंस डिजिट, टेंस डिजिट क्या है, 2, 3 और 4, तो ये 29, ये 36 और ये 47, ये 29, ये 36 एंड ये 47, ठीक है। तो इसके बाद और आगे चलते हैं और लिखते हैं यहाँ पे 100, 2, 5, 7, ओके। तो 229, 100 डिजिट क्या हो गया आपका, 2 हो गया, यहाँ पर 5, तो 536, फिर जानिए 747, ओके बेटा। स्टडी करना, रीड करना आ रहा है उसको, नंबर्स को, 1000 पे जाते हैं हम लोग, इसके बाद 562, ठीक है, मैं फर्स्ट पढ़ रहा हूँ आपके लिए ना, 5229, ओके, 5229, ठीक है। टू लेटर्स में ये टाइम्स और वंस डिजिट सिर्फ काउंट करते हैं ना हम लोग, तो आप इसको रीड आउट करो अपने अपने, चलो जल्दी से पढ़ो इसको, रीड आउट करो, ये रीड आउट, चलो चेक करो फिर आपने जो रीड आउट किया उसको, 6536, क्या पढ़ा आपने इसको, क्या रीड किया आपने, 6536, देन नेक्स्ट पे जाओ, 2747, ओके बेटा, रीड आउट करने आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग 10,000 पे, ठीक है,
बेटा जैसे ही आपका ये चीज़ आती है 5 डिजिट हो जाते हैं। अब तक ये कितने डिजिट थे? 1 2 3 4, उन्हें कितने डिजिट थे? 4 डिजिट्स थे ना। तो 4 डिजिट के बाद अगर एक नंबर और ऐड हो जाता है तो ये आपका हो जाता है 10,000 पे। किस में चला जाता है बेटा? 10,000। ये 1 डिजिट, ये 10 डिजिट, ये 100, ये 1,000 और फिर ये 10,000। ठीक है, तो अब इसको क्या रीड करोगे आप? 74,327 74,327 बस। में आ रही बेटा, अंडरस्टूड है बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और देखो आगे चलते हैं। थर्टी टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड एटी नाइन। ओके बेटा, ये पूरे को एक साथ कंप्लीट करोगे, 1, 10, 100, 1,000, 10,000। तो इस पूरे को एक साथ ट्रीट करना है, 32,989 ठीक है। कितने, हाउ मेनी डिजिट आर देयर बेटा? 1, 2, 3, 4, 5। कितने डिजिट्स हैं यहाँ पर बेटा? 5 डिजिट्स हैं। तो 5 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है बेटा आपका? ये 9999 यह आपका 5 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर होता है। 5 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर होता है आपका ये। आप इसको क्या रीड करोगे? यूनिट 10, 100, 1,000, 10,000। तो इसको एक साथ काउंट करोगे, इसको एक साथ स्टडी करोगे, एक साथ पढ़ोगे, इसको रीड करोगे, 99,999। यह आपका क्या है? द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। ये लार्जेस्ट नंबर है किसका? 5 डिजिट्स का। बेटा समझ में आ रहा है? कोई कन्फ्यूजन नहीं है आता। अब जैसे ही हम लोग इसमें 1 ऐड कर देते हैं, प्लस 1 कर देते हैं, तो आपके पास कुछ इस तरीके से नंबर आ जाता है। ऐड 1 करते ही आपके पास कुछ इस तरीके से नंबर आता है। और देखो इसमें कितने डिजिट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने डिजिट्स हो गए बेटा? 6 डिजिट हो गए। तो 6 डिजिट्स का ये स्मॉलेस्ट नंबर होता है। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स इज दिस। ओके, रीड करते हैं हम इसको ना। 1, 1, 10, 100, 1,000। अब इसको 10,000 में इसी को काउंट कर लो, ठीक है। और इसके बाद ये शुरू हो जाता है क्या? लैख। ये क्या है आपका? 10,000। ओके, 1, 10, 100, 1,000, 10,000। और ये क्या शुरू हो गया? यहाँ से लैख शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया बेटा? लैख शुरू हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेटा 1 लाख। बस 1 लाख ही होगा, आगे तो सारे 0 ही है ना। 1 लाख। तो जैसे ही आपके 10,000 के बाद शुरू होता है, तो 10,000 के बाद क्या शुरू होता है बेटा? लैख। ओके, अब इसका भी देख लो एक बार यहाँ से आगे। अभी तो आप कहाँ तक पहुँचे हो? सिर्फ और सिर्फ 5 डिजिट तक आपने स्टडी कर लिया था प्रीवियस क्लासेस में। अब हम लोग पढ़ रहे हैं 6 डिजिट, मोर देन 5 डिजिट्स के आगे। तो आपका स्टार्ट हो रहा था बेटा 1s। ओके, देन 10s, क्या है बेटा? 10। फिर उसके बाद 100, क्या है बेटा? 100s। फिर उसके बाद 1,000,
1000, फिर 10,000, फिर उसके बाद लैक आ जाएगा आपका, फिर 10 लैक, और देन 10 लाख के बाद क्या आ जाएगा बेटा, करोड़। तो अब तक आप सिर्फ यहाँ तक स्टडी कर चुके थे, 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000s, lakh, 10 lakh and crore, ठीक है, 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000s, lakh, 10 lakh and crore, ओके। तो बेटा मोर देन 10,000 के बाद हम लोग कहाँ जा रहे हैं, 10,000 के बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत है लैख, 10 लैख और देन करोड़, ओके। तो एक नंबर लेते हैं हम लोग ना, फर्स्ट ये क्या है, 5, अब क्या है ये 25, अब ये क्या है 725, क्या है 725, अब क्या है ये 3,725, क्या है ये 3,725, चलो इसी के नीचे लिखते हुए चलते हैं, 5, 2, 7, 3, 2 और लगा दे तो ये हो गया 23,725, क्या हो गया 23,725, और इसके बाद आपका 5 और लगा दे तो 1, 10, 100, 10, 100, 1000, 10,000, देन क्या आ जाएगा बेटा लैख, तो 5,23,725, 5 लाख, 10,000 का डिजिट कौन सा हो गया आपके लिए, 2 हो गया, ठीक है, और फिर उसके बाद 5 और लगा दे तो 55 लाख, क्या होगा बेटा 55 लाख, 5,25,725, 3,725, 5,23,725, 5,23,725, 55 लाख, 23,725, 55 लाख, 23,725, और फिर अगर हम करोड़ तक चले जाए तो ये हो गया बेटा 1 crore 55 lakh 23,725, 1 crore 55 lakh 23,725, कोई कन्फ्यूजन नहीं है बेटा, ठीक है। तो आपका ये क्या था, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट था, क्या था बेटा ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, कि हम लोग इंडिया में किस तरीके से नंबर्स को रीड करते, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, ओके बेटा, क्या से स्टार्ट होगा, 1s, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 1s, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, एक बार आप लोग बोलिए, ठीक है, क्या बोलना है आपको, 1s, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, एंड देन लास्ट में क्या आ गया आपका करोड़, बेटा बुक्स आप लोग बाय कर ले जल्द से जल्द स्कूल से ना, ये हो गया बेटा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, क्या हो गया बेटा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, अगर हम बात करते बेटा इंटरनेशनल सिस्टम की, इंटरनेशनल सिस्टम की, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं जब हम लोग, इंटरनेशनल सिस्टम की बात जब हम करते हैं तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें किस तरीके से हम लोग जाते हैं बेटा, इसमें आपका कंपाउंड चलता है बेटा, मिलियंस मिलियंस, थाउजेंड्स,
एंड लास्ट वन इज हंड्रेड्स हंड्रेड्स ओके अब हंड्रेड्स में आपके थ्री डिवाइडेशन हो जाते हैं बेटा वंस टेंस हंड्रेड्स और देन यहाँ पर आओगे आप तो यहाँ पे आपका थाउजेंड टेन थाउजेंड एंड हंड्रेड थाउजेंड थाउजेंड्स थाउजेंड्स टेन थाउजेंड्स एंड हंड्रेड थाउजेंड्स ठीक है बेटा फिर उसके बाद आप क्या जाते हैं यहाँ पर मिलियंस टेन मिलियंस एंड हंड्रेड मिलियंस अब ये कुछ न्यू है बेटा आपके लिए ना जो आपने अब तक नहीं पढ़ा आप कहोगे सर ये क्या चक्कर है इसमें क्या करना है हमको बेटा इसमें आपके क्या है कि यहाँ तक तो आप नॉर्मली चलोगे वंस टेंस और स्टार्टिंग में स्टार्टिंग तक तो आपको कोई टेंशन नहीं है कि यहाँ तक वंस टेंस और हंड्रेड तक यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइव टू थ्री तो आप एज इट इज चलोगे 325 नॉर्मली चलोगे 325 कोई चेंज नहीं करना कोई प्रॉब्लम नहीं है एक सेवन लगा दो तो 7325 तो क्या हो गया आपका वो 7325 ठीक है वंस टेंस हंड्रेड ठीक है और यहाँ से थाउजेंड ओके अब यहाँ पर भी ये चीज़ वही रहेगी 37,325 कोई चेंज नहीं है इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में अब तक तो कोई टेंशन अब इसके बाद जैसे ही आपका सिक्स डिजिट आता है जैसे ही आपका ये वन टू थ्री फोर्थ फिफ्थ सिक्स अब इंडियन के अकॉर्डिंग आप क्या करते थे बेटा ये वन ये टेन ये हंड्रेड ये थाउजेंड ये टेन थाउजेंड देन लैक आ जाता था क्या जाता था लैक बट यहाँ पर लैक नहीं देखो हंड्रेड थाउजेंड यानी कि हंड्रेड थाउजेंड तक जाना है आपको तो आप इसको लिखोगे 537,000 क्या 537,000 537,000 इसको अलग रीड आउट करना है और इसको अलग करना है क्योंकि देखो थ्री पार्ट्स है ना इसके थ्री पार्ट्स यहाँ हैं तो ये तो नॉर्मली 325 जैसे ही आप यहाँ आओगे ये भी 7,325 ये 37,300 यहाँ पर जाते भी आपको लैक का यूज़ नहीं करना है 100 में जाना है इसको अलग से रीड करो 537,325 तो कन्फ्यूजन है बेटा एक काम करो आप लोग रीड करो इसको करो रीड करो जल्दी से करो बच्चा किया कुछ पढ़ा रीड किया चलिए हम लोग कर दें फाइव ये 25 ये 525 देन ये आ जाओगे 7,525 7,525 नेक्स्ट 37,525 525 525 7,525
37,525। अब जब जैसे यहाँ जाओगे तो आप यहाँ पर भी इसको अलग से रीड करोगे, 237,525। बस में आ रही बेटा, क्लियर है दिमाग में? आगे हम लोग अभी मिलियंस को रोक रहे हैं, हम लोग मिलियंस पे आगे नहीं जा रहे, और करना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक डिजिट डॉट बना लो, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका मिलियन। तो फाइव मिलियन 237,525, ठीक है बेटा? अगर यहाँ पर एक और डिजिट लगा दोगे तो 25 मिलियन क्या हो जाएगा बेटा, 25,237,525। एक और डिजिट लगा दो तो आप इनको अलग, इन थ्री डिजिट्स को अलग से रीड आउट करोगे, 725 मिलियंस 237,525। ओके बेटा, बात समझ में आ रही है? 725 मिलियन 237,525। ओके, तो ये कौन सा सिस्टम है बेटा? इंटरनेशनल सिस्टम। आप इसको आपकी बुक में मिल जाएगा, ये आपको पेज नंबर 13 पर बेटा, पेज नंबर 13 से आप इसको कॉपी कर लोगे बेटा, पेज नंबर 13 पर आपको ये मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे कॉपी कर लोगे, किस किस को, इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम, और इसको लर्न करना है आपको ना इनको, ठीक है? यही आपका काम है आज का, ठीक है? जो टेबल है आपको वो लर्न करनी है, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, कुछ नहीं करना, आपको उसको लर्न करना है किस तरीके से वंस टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड मिलियन टेन मिलियन एंड हंड्रेड मिलियन, इसको सिर्फ आपको रीड करना है। ओके बेटा, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके बेटा।